बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आए जी बार बटन में काम करने के लिए ज़िला शेखुपुरा अड्डा फरोज बटू। ये घर का फ्रंट है जी। ये हमारे बड़े प्यारे कस्टमर हैं इंतज़ार भाई। ये उनका घर है। घर की लुक देखें, घर का फ्रंट देखें, घर का गेट देखें, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है कि इस कॉलोनी में, इस जो टाउन बना है, ये इकबाल टाउन, किसी का भी नहीं होगा। इतना प्यारा इसका जो है ना व्यू है कि बंदा कहता है जी हम देखते रहें। ये ब्लैक कलर की इन्होंने टाइल लगवाई है। पहले को टाइल और लगवाई थी, वो इनको पसंद नहीं आई, ये उतार के ने ब्लैक टाइल लगाई है। ब्लैक गेट, और इतना मजबूत गेट है जी कि ये देखने से पता चलता है कि जी काम करवाया है। ठीक है जी, घर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अंदर कौन कौन से काम जो है ना वो हमने किए। हाँ जी, एक रूम हमें वहां पे मिलता है फ्रंट पे। ये गैराज है जी माशाल्लाह, बड़ा खुला, और यहाँ पे आप दो तीन गाड़ियां पार्क जो है ना वो आसानी से कर सकते हैं। एक रूम हमें यहाँ पे मिलता है, इसके साथ वॉशरूम। ये आगा जी घर का मेन डोर, उसके साथ एक विंडो। ठीक है जी, और दरवाजे के साथ ही जो है सीढ़ियां हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आगा जी हम एक वॉशरूम, और आपको दिखा चुके हैं के किचन का डोर आप जाली वाला लगवा सकते हैं, टोटल लकड़ी का लगवा सकते हैं, इसमें शीशा डलवा सकते हैं, जो चीज़ भी आपको पसंद हो वो आप लगवा सकते हैं। इंतज़ार भाई को ये शीशा पसंद था, उन्होंने शीशा लगवा दिया, फ्रास्ट किया और शीशा फिगर वो लगवाया उन्होंने। ठीक है जी, ये किचन हमारा, एक नज़र देख लें। ये यूवी हाई ग्लास में किचन तैयार किया गया है। इसकी आप टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर मौजूद है। ठीक है जी, उसके बाद जी एक रूम यहाँ पे मिलता है, इसके सामने रूम है। ये हमारा रूम का एक दरवाजा आ गया, और ये देखें जी ऐसा सेटअप बना है कि दरवाजे जो है वो दोनों साथ में मिल गए हैं, अंदर फिर कमरे हैं। ये वॉशरूम का दरवाजा है जी, पीवीसी का, बहुत जबरदस्त चलते हैं ये दरवाजे। खराब होने की कोई इसमें चीज नहीं है, गलने सड़ने वाली। वॉशरूम को यही लगवाएं, सस्ते पड़ते हैं और अच्छे जबरदस्त हैं। जिस तरह का मर्जी पेंट पॉलिश इनको करें, जबरदस्त चलेगा। वॉशरूम देखें जी इंतजार भाई का कैसा बनाया उन्होंने। तकरीबन 7 फुट तक टाइल लगाई इन्होंने, और बहुत अच्छे खुले वॉशरूम। ये बाहर वेंटिलेशन के लिए, और एक हमें वॉशरूम इधर मिलता है। इसकी टाइल भी दिखा दे भाई, टाइल ये टाइल लेकिन 7 फुट तक इधर टाइल लगी है। कोई बात आपने पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।